सो ऑल राइट हे गाइस, आप सबका वेलकम है मेरे इस ट्यूटोरियल में। और आज मैं डिस्कस करूंगा आपका बर्निंग फॉरेस्ट का जो कंसेप्ट आया था मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पे। और फोटो ये थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थी फोटो जो मैंने क्रिएट करी थी। सो मैं आपको बताऊंगा ये कैसे क्रिएट करनी है। और सारी PNGs मैंने यहाँ डाल रखे हैं पहले से ही। और ये बैकग्राउंड आई लाइट सारी हैं, मार्क वार्क सारी PNG मैंने डाल रखे हैं। और ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और न्यू न्यू मेरे ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि आप वीडियो को मेरी वॉच करेंगे, जैसे लाइक ये वाली वीडियो है, तो इसके जब डिस्क्रिप्शन में आएंगे आप तो यहाँ आपको ये मिलेगा सर्च फॉर एडिट, और ये लिंक है। तो इस लिंक को कॉपी करना यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर देना आप, ठीक है। ऐसे तो ये पूछेगा आपसे ओपन इन टेलीग्राम और चैनल का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो ओपन इन टेलीग्राम जैसे ही करेंगे, आपके फ़ोन में टेलीग्राम की ऐप होनी चाहिए जिससे आप ये सारी PNGs डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और मैं बढ़ता हूँ ट्यूटोरियल की तरफ। सो ट्यूटोरियल बहुत सिंपल है और आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। ये मैंने ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखा है, और इसका पिक्सआर्ट वर्जन भी आएगा जो आप वॉच कर सकते हैं। आपको ईज रहेगा कि आप पिक्सआर्ट में भी अच्छे से एडिट कर पाएँ, और होपफुली आपको कंसेप्ट सही पसंद आए। तो यहाँ मैं PSD ओपन कर देता हूँ इसकी। ये फोटोशॉप है मेरा 2020 है और लेटेस्ट वर्जन है, कोई ओल्ड वर्जन नहीं है। यहाँ मैं अब डिस्कस करता हूँ फोटो की। तो ये सारी चीज़ें मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ ये है बैकग्राउंड जिसकी मैंने PNG आपको फोल्डर में शेयर कर रखी है, इस टेलीग्राम ग्रुप में है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं उसे। आप मुझे DM ना करें, सारी चीज़ें यहीं मैं YouTube पे प्रोवाइड कर देता हूँ। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ फिर मैंने अपने आप को इम्पोर्ट करा। इतनी अच्छी कटिंग करने के लिए मैंने एक ट्यूटोरियल पहले ही बना रखा है। कटिंग का भी ट्यूटोरियल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसे बिल्कुल स्मूथ कटआउट कैसे निकालते हैं। इजीली हो जाता है, और आप देख सकते हैं कितने हाई एंड डिटेल्स हैं, एक एक बाल अच्छे से कटआउट है मेरे। इस प्रोजेक्ट पे मैंने दो दो दिन लगाए थे कि अच्छे से कटआउट हो हर चीज़। तो यहाँ हर चीज़ मेरी बहुत अच्छे से कटआउट है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ थोड़ी सी ब्राइटनेस लो कर रखी है, लाइक यहाँ से कर्व नीचे क्लिक करके, और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ब्रश से हल्का हल्का पेंट कर रखा है। तो ये स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से आपने ब्रश लेना है और ऑल्ट दबा के सैंपल लेना है कहीं का भी, और फिर धीरे से देखो यहाँ हल्का हल्का जब ऐसे आप पेंट करेंगे ना, और अपने फ्लो को रख देना आप 9 पे। फिर यहाँ से ऐसे हल्का हल्का जहाँ भी आपको शाइन चाहिए, जैसे मुझे यहाँ चाहिए यहाँ चाहिए। फिर उसके बाद इसके ब्लेंड मोड को आपको करना है कलर डॉज कि वो अच्छे से फिट बैठ जाए। देखें वहाँ लाइट कितनी प्यारी सी आ गई है, ठीक है। और अगर मैं सैंपल लेता हूँ और किसी कलर का, जैसे डार्क कलर हो गया ये वाला, तो यहाँ आप देख सकते हैं वही कलर अटैच हो रहा है। अगर मैं यहाँ वाइट का लेता हूँ तो ये वाइट ही अटैच हो रहा है, ब्लू लूँगा तो ब्लू अटैच होगा, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ हर तरीके का कलर आप ले सकते हैं, और ये देखिए ब्लू कलर से कैसे डार्कनेस आ रही है। तो यही चीज़ है यहाँ पे कलर डॉज में कि आप हल्के हल्के लाइटनेस दे सकते हैं। तो मैंने हल्के हल्के लाइटनेस हर जगह दे रखी है कि थोड़ा सा ऐसा लगे कि बैकग्राउंड से मर्ज हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद स्मोक की PNG है डायरेक्ट मैंने दे रखी है, ये आपको PNG फोल्डर में आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और फिर उसके बाद मैंने लाइट ऐड कर रखी है। रिम लाइटनिंग का भी ट्यूटोरियल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ कि आप ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं ये इजीली से रिम लाइट कैसे क्रिएट होती हैं, और बहुत इजी होती हैं। लेकिन इसमें बहुत टाइम लगा था मुझे, बहुत धीरे धीरे मैंने बनाई थी हर चीज़ को सोच के। तो आप देख सकते हैं कितना फ़र्क आया इमेज पे, बहुत थोड़ी थोड़ी है लेकिन डिटेल्ड में है, क्योंकि मैंने यहाँ इस पे भी वर्क कर रखा है, हर बटन पे भी मैंने वर्क करा है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे शेडोज़ और यहाँ पे क्रिएट करे हैं मैंने, और यहाँ नेक पे भी करा है, हेयर्स में भी करे हैं, और ये फर में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी मुझे इसे ग्लो करने में, तो मैंने फर भी कर रखा है, फर में भी ग्लो डाल रखा है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने आई ऐड करी है। आई का भी मैंने PNG शेयर कर रखा है आपके लिए, तो आई को भी आप आराम से क्लीन अप कर सकते हो और देख सकते हो। यहाँ पे ये आईज इंसर्ट हो गई हैं, आप देख सकते हैं इसकी PNG भी है।
और इसके बाद मैंने सेलेक्टिव कलर डाला था। सेलेक्टिव कलर क्यों डाला था यहाँ पे, इसका थोड़ा एक मेन रीज़न है कि जब आप सेलेक्टिव कलर यूज़ करेंगे तो यहाँ आप ब्लैक्स में आएंगे, तो ब्लैक से आप क्या कर सकते हैं, एकदम से ही अपने जो भी कंट्रास्ट होती है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ड्रामेटिक कितना हो जाता है। सो इससे हेयर भी अच्छे से पॉप हो जाते हैं और आपके जो भी कपड़े वपड़े होते हैं क्लोथिंग, वो अच्छे से शाइन करने लगती है। तो आप इसे ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, एक पॉइंट है ये, इसलिए मैंने इसे सही से अलग रखा था कि आपको समझाऊँ। और उसके बाद फिर कलर ग्रेडिंग है, सिंपल लट्स हैं, कैलेंस क्लाउड वाले जो मैंने पहले से प्रीसेट डाल रखे हैं, मैं कोई और अलग प्रीसेट यूज़ नहीं करता क्योंकि यही प्रीसेट काम आते हैं ज़्यादातर मेनली। उसके बाद ये है मार्क की PNG, तो मार्क मैंने डाल रखा है आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये मैंने पहले से ही ऐड कर रखी है आपके PNG लिस्ट में, तो आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने फेस पे लगा सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ आता हूँ मैं, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिटेलिंग दी थी इसमें, मार्क में हल्की सी शेडो वेडो इंक्रीज़ करी थी, तो शेडो कैसे इंक्रीज़ करी थी मैंने, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने ब्रश यूज़ करा है और उसको छोटा कर रखा है, और यहाँ से ओवरले ब्लेंडिंग मोड है, ठीक है, और आपको ब्लैक सेलेक्ट करना है। ब्लैक से आप देख सकते हैं कितना वो स्मूथ आ जाएगा, 1% का आपको ओपेसिटी फ्लो रखना है, और यहाँ आप देख सकते हैं वो डार्कनेस कैसे क्रिएट हो रही है। तो ये एक लाइन क्रिएट करने के लिए मैंने करी थी बस, जस्ट ऐसे, तो ये थोड़ी दूर से पॉप हो जाती है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यही एक था, और मैंने यहाँ ये थोड़ा सा सडल तरीके से कर रखा है टैबलेट से, हल्का हल्का, तो यहाँ ये सही से बैठ गया। अब उसके बाद मैंने अप्लाई कर रखा है टैटू, जो PNG आपके में गिवन है, और ये PNG लाइट है, इसका ब्लेंडिंग मोड आपको स्क्रीन पे करना पड़ेगा और ये अच्छे से अपने आप ही ग्लो हो जाएंगी और इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं टू दी ज़ीरो टू बॉटम चीज़ वो कहाँ से आ गई है, एकदम नेक्स्ट लेवल चीज़ हो गई है कि हेयर्स पे शेड लाइट पड़ रही है अच्छे से, ठीक है, और यहाँ कोट पे लाइट पड़ रही है, फर पे पड़ रही है, और यहाँ पे हैंड पे। तो ये एक सही PNG लगी थी जो मैंने डाउनलोड करी है अच्छे से, और इसे क्रिएट करा था बाद में, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था मैंने, तो यहाँ ये अच्छे से ग्लो भी क्रिएट कर रही है और यहाँ पे हेयर्स में भी अच्छे से क्रिएट कर रखे। उसके बाद मेरे को चाहिए था स्पार्क्स। स्पार्क्स किसे कहते हैं कि जो फ्लाइंग पार्टिकल्स होते हैं ना फायर में से जब निकलते हैं, तो वो है, और ये PNG भी मैंने शेयर कर रखी है आपको फोल्डर में, आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में जाके, ये वाली जिप है, इसे डाउनलोड करेंगे सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको इसमें, ठीक है। तो यहाँ ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, स्पार्क्स नाम की ये है, ठीक है। और इसके बाद ये है ग्रेडियंट मैप, जिसमें मैंने अपना नाम और थोड़ा सा यहाँ कलर ऐड कर रखा है, तो कलर भी आप कैसे ऐड कर सकते हैं इजीली, यहाँ आएंगे और फिर आपने एक सैम्पल लेना है कलर का, और फ्लो आपको 1% पे ही रखना है, और यहाँ पे ऐसे सिंपल से जब आप लाइट करेंगे उसके बाद ब्लेंडिंग मोड कलर कर देना है, तो वो नीचे वो कलर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, और फिर मैंने अपना लोगो ऐड कर रखा है यहाँ पे, जिसको नहीं पता हो ये मेरा लोगो है, और जस्ट सिंपल सा क्रिएट करा था मैंने, कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं बनाया, मैंने कहा यार इतना भी फैंसी नहीं, क्योंकि नाम बड़ा था इसलिए मैंने लोगो फैंसी ज़्यादा रखा नहीं है। और जो पार्ट टू है रिम लाइटनिंग का, मतलब जिसमें आपने ये सीखनी है, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, और ये सारी PNGs भी आप डाउनलोड करें और देखें, और जब आप इनमें से गो थ्रू जाएंगे तो आपको नई नई चीज़ें भी पता चलेंगी कि आप कैसे अपने कंसेप्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। आप होपफुली मेरा ही ना कॉपी करें, क्योंकि जो आपका माइंड होता है वो नए कंसेप्ट की तरफ जाना चाहिए, तो आप क्रिएटिव बनेंगे। अगर आप पुराने कंसेप्ट की तरफ आते रहेंगे कि मेरी फ़ोटो देखी आपने और मेरे ही जैसा बनाया, सो एक रीज़न यही है कि मैं अपनी फ़ोटो इसमें शेयर नहीं करता, क्योंकि आप यही कंसेप्ट फिर से बना लेंगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप अपनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। सो मैं चाहता हूँ कि आप सब भी अपनी मेहनत करें और अच्छे से अपना अपना कंसेप्ट बनाएं, और मुझे ज़रूर टैग करें और हैशटैग सारविंद यूज़ करें मेरी स्टोरी में फीचर होने के लिए। कोई मुझे DM ना करे कि मुझे फीचर कर दो, फीचर कर दो, वैसे कोई वे नहीं है यार, सबका पार्टिसिपेशन देखा जाता है। और फिर मैं हैशटैग सारविन में से जो भी रिसेंट पोस्ट होती हैं उनमें से जो भी अच्छी होती है तो मैं उसे शाउट आउट देता हूँ, और 5 स्टोरीज होती हैं, कभी कभी 7 भी होती हैं जब ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो
सो होप आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और आपको अच्छे से शाउट आउट्स मिलेंगे, आप नए ऑडियंस में भी ग्रो करेंगे, और जो भी आप चीज़ें इस PNG से क्रिएट करें उसमें मुझे ज़रूर टैग करें, मैं ज़रूर चेक करूँगा और होपफुली जो पसंद आएगी कमेंट एंड लाइक ज़रूर करूँगा उस पर भी। और मैं सारे बंदों के DM चेक नहीं कर सकता क्योंकि भरा रहता है DM यार, आप भी समझो, और जब टैग करते हो तो मैं देखता हूँ, और मैंने हैशटैग अपना सारवेंट फॉलो कर रखा है, सो जो भी आप पोस्ट उसमें डालते हैं वो मेरी फीड में आती है और मैं गो थ्रू रहता हूँ उसमें, देखता रहता हूँ, और उसी में से ही मैं सेलेक्ट करता हूँ डेली का विनर कौन होता है शाउट आउट स्टोरी। तो आप हमेशा हैशटैग सारविन यूज़ करें अपनी फ़ोटोज़ में, और प्रोफाइल में दे रखा है मैंने वो हैशटैग, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। सो थैंक यू गाइज़ इस ट्यूटोरियल को यहाँ तक देखने के लिए।